मेरा नाम शेडी और आज हम लोग जो है इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं एक स्टेलर रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं कि कैसे आपका जो है रिकवर कर सकते हो आप डेटा जो भी आपके मोबाइल से वरना आपके इंटरनल मेमोरी से डिलीट हुआ है, वरना हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव से करप्टेड हार्ड डिस्क पेन ड्राइव से डिलीट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप रिकवर कर सकते हो। आज आपको मैं स्टेलर रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपका जो है पेन ड्राइव का डेटा, करप्टेड पेन ड्राइव का डेटा, उसी के साथ साथ आपकी करप्टेड हार्ड डिस्क है उसका डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो गैस आज मैं आपको वही चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो गैस मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आपका जो है हार्ड डिस्क में से डिलीट हुआ हुआ डेटा, वरना अगर आपका हार्ड डिस्क फॉर्मेट हुआ है उसी के साथ अगर आपका पेन ड्राइव का कोई भी डेटा लॉस हुआ है, वरना अगर आपका पेन ड्राइव जो है करप्ट हो चुका है, तो उसका डेटा जो है कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो एक स्टेलर रिकवरी सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर है। आपकी परचेस करोगे तो आप जो है एक मंथ का, वरना वन ईयर का, वरना टू ईयर का प्लान भी जो है आप परचेस कर सकते हो, तो वो भी आपके हिसाब से आपको जो भी परचेस करना है आप कर सकते हो। तो गाइस लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमारा डिवाइस जो है डैमेज हो चुका है, वरना हमारा पेन ड्राइव डैमेज हो चुका है, हार्ड डिस्क डैमेज हो चुकी है, तो वो डेटा कैसे रिकवर होगा, क्योंकि वो जो है आपके पीसी को कनेक्ट ही नहीं होती है रिकवर होने के लिए, राइट। तो वो डेटा रिकवर करने का भी सॉल्यूशन इनके पास है। तो स्टेलर रिकवरी का जो है स्टेलर रिकवरी सॉफ्टवेयर, इनका जो है लैब भी है इंडिया में, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, तो यहाँ पे 15 प्लस ब्रांचेस आपको मिलते हैं, लैब मिलते हैं इंडिया में। तो आप जो है पहले तो आपको परचेस करना है सॉफ्टवेयर। अगर आपके सॉफ्टवेयर परचेस करने के बाद आपसे अगर नहीं हुआ, डेटा रिकवर नहीं हो रहा, तो उसके बाद जो है आप इनके लैब में जा सकते हो और आपके जो भी पैसे आपने सॉफ्टवेयर परचेस में डाले हैं वो सारे के सारे पैसे आपके जो है वो लैब के रिकवरी में जो है मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक आपको सॉल्यूशन मिलता है। लास्ट में गाइस इसी के साथ साथ आपको जो है मनी बैक गारंटी मिलती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब इनकेस अगर आपसे आपने जो है रिकवरी करने को ट्राई किया, आपने परचेज किया उनका सॉफ्टवेयर, तो वो परचेज करने के बाद अगर आपसे जो है रिकवर नहीं हुआ, तो जो है आपको मनी बैक गारंटी मिलती है। तो आप जब भी अगर आपको चाहिए तो आप जो है आपकी मनी बैक गारंटी 30 डेज में जो है ले सकते हो, तो उसका भी आपको कोई इशू नहीं है। तो आई होप गाइस ये जो सॉफ्टवेयर मेरे को लगा कि ये थोड़ा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और जहाँ से आप जो है आपके फाइल्स, डिलीटेड फोटोज़ और सारी चीज़ें आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका एकदम ही जो है आपका डिवाइस ऐसा है कि एकदम करप्ट हो चुका है डिवाइस, डैमेज हो चुका है डिवाइस, तो आप जरूर से इनके लैब में जा सकते हो, तो आपको परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो है सिर्फ करप्टेड पेन ड्राइव है वरना हार्ड डिस्क है, तो उसके लिए आपको जो है घर पे ट्राई करना है, आपके पीसी में डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर। तो गाइस अभी जो है हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे और देखेंगे कैसे वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और कैसे जो है डेटा आप रिकवर कर सकते हो। ओके सो हम लोग अभी जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मेरे वेबसाइट का नेम है stellarinfo.co.in। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दूंगा, तो आप जरूर से आके चेकआउट कर सकते हो। जैसे आप इसको ओपन करोगे आप सिंपली देख सकते हो, अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मेरा एक ड्राइव है जहाँ पे मैंने कुछ एक फ़ोटो, एक वीडियो और एक म्यूज़िक रखा हो, तो यहाँ से मैं पहले जो उसको फॉर्मेट करता हूँ, क्योंकि आपको यकीन हो जाए फिर इससे जो है फॉर्मेट हुआ डेटा रिकवर होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो है ड्राइव को फटक से जो है फॉरवर्ड मारते हैं। जैसे मैंने इसको फॉरवर्ड मारा, अभी हम लोग जो है हम वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट के आने बाद गाइस आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर आपको दो टाइप मिलते हैं, सर्विसेज के और सॉफ्टवेयर के, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, हम लोग जो है रिकवरी करने वाले सॉफ्टवेयर थ्रू हमारे पीसी में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाले हैं, तो हम लोग चूज़ करने वाले हैं सॉफ्टवेयर वाला टैब, ठीक है। तो जैसे मैं जो है सॉफ्टवेयर वाले टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप सिंपली देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको तीन चीज़ें मिलती है, जैसे कि एक है जो स्टेलर डेटा रिकवरी, सेकेंड है स्टेलर फोटो रिकवरी सॉफ्टवेयर, थर्ड है स्टेलर डेटा रिकवरी फॉर आईफोन। तो आपको जो भी चूज़ करना है आप कर सकते हो, यहाँ पे आपका मेल, फोटोज, वीडियो, सारी चीज़ें जो है रिकवर हो जाएंगी, ठीक है। जो है की भी अप्लाई यहाँ पे करूँगा, तो फटाफट जो है मैं फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और उसके सबसे हम लोग जो है जाएंगे। अगर आपको गाइस बाय करना है तो आपको बाय मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको जो है बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपको तीन चीजें मिलेंगी, जो कि स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल और प्रीमियम। तो स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल, प्रीमियम में ये फर्क है गाइस कि कुछ कुछ आपका डेटा रिकवर होता है, कुछ कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप, अगर मैं स्वाइप डाउन करके आपको बताता हूं, तो यहां पे सिंपली देख सकते हो कुछ आपका डेटा रिकवर होगा, फोटोज, मेल्स हो गए कि नहीं, वो सारी चीजें आपको यहां पे बताइए। तो उसके हिसाब से उसका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे है, बट वो आपके हिसाब से अगर आपको जो भी परचेस करना है आप कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक इसमें से कोई भी प्लान ले लेता हूँ और मैं जो यहाँ पे बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने बाय नाउ के ऊपर क्लिक किया, आपको यहाँ पे पेटीएम मिलता है, आपका यूपीआई हो गया, क्रेडिट डेबिट कार्ड हो गया, तो आप कुछ भी जो है डाल के यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। और जैसे आप लोग पेमेंट करते हो आपको जो है मेल के ऊपर एक की आएगी जो कि आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं जो है अभी डाउनलोड के लिए जो सॉफ्टवेयर डाला था, तो उसको मैं इसको ओपन कर देता हूँ फटाफट।
और इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है एक बड़ा सा टैब आएगा, जैसे कि देख सकते हो ऑल डेटा, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर्स, ईमेल्स, फोटोज, ऑडियो, वीडियो, तो आपको जो भी इसमें से रिकवर करना है आप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं करता हूँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। बट उसके पहले जो है मेरे को क्या करना है, मेरे को मेरे जो है पेड वर्जन है 1 मंथ का, मेरे पास पेड वर्जन की है, तो मैं यहाँ पे पेड वर्जन एक्टिवेशन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है की डालूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो मैंने की डाली और एक्टिवेट पर क्लिक किया, तो ये जो है एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो जैसे ये एक्टिवेट होता है अभी आपको क्या करना है गाइस कि नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपको जो है चूज करना है आपकी ड्राइव। तो यहाँ पे अगर आपने पेन ड्राइव लगा तो यहाँ पे आपको पेन ड्राइव भी बताएगा नीचे कनेक्टेड ड्राइव्स में, और उसी के साथ साथ अगर आपके हार्ड डिस्क से डेटा जो है डिलीट हो चुका है तो वो भी अगर आपको रिकवर करना है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो अभी मैं आपको हार्ड डिस्क वाला ही बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने गेमिंग चैनल में से डिलीट किया था अभी डेटा। ठीक है, वो 3 फोटो और वीडियो, तो वैसे ही मैंने रिकवर पर क्लिक किया। रिकवर पर क्लिक करने के बाद अगर आपका डेटा रिकवर यहाँ पे नॉर्मली नहीं हो तो आपको क्लिक करना है डिलीटेड लिस्ट में। ठीक है, जैसे आप डिलीटेड लिस्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो है डीप स्कैन के लिए बोलेगा, और जैसे ही डीप स्कैन के लिए बोलेगा तो डीप स्कैन के अंदर जो है गाइस पूरा आपको जो है डेटा रिकवर होने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये चीज़ को, बट फिर भी जो है आपका डेटा आराम से रिकवर हो जाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं जो है इस पर क्लिक करता हूँ और सिंपली आप देख सकते हो डीप स्कैन पे क्लिक करने के बाद ही डायरेक्टली मेरे को जो वो फोटो जो मैंने डिलीट मारा था वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अगर इसको रिकवर करना है तो मेरे को यहाँ पे रिकवर पे क्लिक करना है और फिर पाथ चूज करना है, मतलब कौन से लोकेशन में इसको रिकवर करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हेल्दी कोई ड्राइव है उसमें उसको जो है रिकवर कर दो। और जैसे कि आप लोग सिंपली देख सकते हो मैं ओपन भी आपको करके दिखा देता हूँ, तो आप ऐसा मत करना कि जो करप्टेड ऑलरेडी है उसके अंदर ही आपने रिकवर किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। उससे अच्छा आप जो है डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वरना आप कहीं भी आपके दूसरे ड्राइव में उसको सेव कर सकते हो। तो गाइस आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो गाइस आपको भी अगर डेटा रिकवर करना है तो आप जरूर से जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिलेंगे, आप क्लिक करके जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगता है जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, माय नेम इज आईडी एंड मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।